इंसान खुद को सबसे अधिक बलवान समझता है। शायद इसी का परिचय देने के लिए वो अक्सर बेजुबान जानवरों पर जुल्म ढाता है या उनके विषय में नहीं सोचता। हमारी वजह से पृथ्वी से कई प्राणियों का नामो निशान मिट गया। कुछ प्राणी विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन हम इंसानों के बीच कुछ ऐसे फरिश्ते बसते हैं जो जानवरों को खुद से तुच्छ नहीं समझते। उन्हें यह पता है कि धरती जितनी हमारी है उतनी ही इन बेजुबानों की भी है। ये लोग ना सिर्फ हीरोज हैं बल्कि उम्मीद हैं एक बेहतर कल की, एक ऐसे कल की जहां हम इंसानों और पृथ्वी के दूसरे जीव सद्भावना से रहते हैं। तो चलिए हम आपको इंसानियत के जीते जागते मिसाल कहे जाने वाले लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने बेजुबान जानवरों के दर्द को समझा और उनकी मदद की। शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो से। वो कहते हैं ना, जाको राखे साई या मार सके ना कोई, और इस चिड़िया के बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि यह चिड़िया का बच्चा लगभग बिल्ली के जबड़ों में जा चुका है, लेकिन उस दौरान पास से गुजर रहे इस शख्स ने उसको एक नई जिंदगी दी। दरअसल ये शख्स इस बिल्ली के मुंह में इस चिड़िया के बच्चे को देखता है तो वो तुरंत उसे बचा लेता है और उसे दवा लगाकर उसे गर्माहट महसूस कराने के बाद उसको एक छोटे से एक्सक्यूबेटर में रखकर उसकी जान बचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब भी समस्या यही थी कि ये बच्चा खाना नहीं खा रहा था। ऐसे में उस व्यक्ति ने अपने फोन में उसकी माँ की आवाज रिकॉर्ड कर उसके सामने रखकर उसे चलाया। तब जाकर उस नन्हे परिंदे ने अपना मुंह खोला और खाना खाया, जिसके बाद उसकी जान बचाई जा सकी। बच्चे जब भी अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और उनकी माँ भी काफी परेशान हो जाती है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन बतकों के बच्चों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि इन बच्चों की माँ क्यों परेशान है। दरअसल ये बतख जब तालाब में जा रहे होते हैं तभी उनमें से एक बच्चा गटर में गिर जाता है, और जब इस बतख का बच्चा गटर में गिरता है तो ये बतख वहाँ आसपास घूमने लगती है और मदद मांगने की कोशिश करती है। हालांकि जब लोगों को पता चलता है कि इसमें नन्ना बतख का बच्चा गिरा है तो उस रेस्क्यू टीम की मदद से उन्होंने बतख के बच्चे को निकलवा कर उसे तालाब में सुरक्षित पहुंचा दिया। वैसे तो भारत में सांपों को पूजा जाता है, लेकिन जब सांप को लोग देख लेते हैं तो वो उससे काफी डर भी जाते हैं। ऐसा ही वाक्य इस छोटे से गांव में हुआ। दरअसल ये किंग कोबरा जंगल से निकलकर गांव की ओर चला आया और लोगों ने जब इसे देखा तो वो काफी घबरा गए, और जब ये बात वन विभाग के कर्मचारियों को पता चली तो वो तुरंत वहां आकर रेस्क्यू करने लगे। हालांकि इनमें से एक कर्मचारी ने जब इस किंग कोबरा को बोतल से पानी पिलाया तो उसने काफी ज्यादा पानी पी भी लिया, जिसे देखकर आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से यह प्यासा था। हालांकि इसे पानी पिलाने के बाद फिर से जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन अगर इसे पानी नहीं मिलता तो इसकी मौत भी हो सकती थी। हमारी अगली क्लिप में हम आपको इस नन्हे से पपी से मिलवाते हैं जो एक रेलवे ट्रैक के किनारे इस तरह तार में फंस चुका होता है। ऐसे में जब ये छोटा सा बच्चा इसे इस रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ देखता है तो वो तुरंत अपनी जान की परवाह ना करके इसे बचाता है और वो उसे अपने घर ले जाकर इसे खाना भी खिलाता है, जिसके बाद ये कुछ दिनों तक इसे अपने पास रखता है और फिर इसे अपनी माँ के पास छोड़ देता है। हमारी अगली वीडियो क्लिप में जिस व्यक्ति को आप मगरमच्छ के साथ नहाते हुए देख रहे हैं, और ये एक रियल स्टोरी है, होता कुछ यूं है कि जब ये व्यक्ति एक दिन तालाब के किनारे घूम रहा होता है तभी उसे एक मगरमच्छ दिखता है जिसे गोली लगी होती है और वो खून से लहूलुहान होता है। फिर ये उस मगरमच्छ को घर लाकर उसका इलाज करता है और कई दिनों तक उसे खाना पानी भी देता है, और जब ये मगरमच्छ ठीक हो जाता है तो ये उसे फिर से तालाब में रखाता है, जिसकी वजह से ये मगरमच्छ कभी कभार इस व्यक्ति के घर पर आ जाया करता था, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी थी। काफी समय साथ बिताने के बाद ये दोनों एक साथ रहा करते थे। हालांकि कुछ समय बाद इस मगरमच्छ की मौत हो गई, जिसके बाद इस व्यक्ति ने अपने परिवार और करीबी को बुलाकर इस मगरमच्छ को अंतिम विदाई भी दी। अगली कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति जब अपने कार को साफ कर रहा होता है उसी दौरान उसे बर्फ के टुकड़ों में एक गोरैया चिड़िया मिलती है जो कि उसके कार के बर्फ के परत के नीचे दबकर फंसी हुई होती है। हालांकि वो जिंदा होती है, जिसे वो व्यक्ति निकालकर अपनी कार की सीट पर रखता है और वो ठंड से कांप रही होती है। इसके लिए वो अपने जैकेट को उतार कर उसे थोड़ी गर्माहट देता है, और जब वो थोड़ी ठीक होती है तो उसे खाना खाने के लिए दाना पानी भी देता है। इसके बाद वो काफी समय उस गोरैया के साथ बिताता है और करीब 2 से 3 घंटों के बाद वो ठीक होकर अपने घोंसले में चली जाती है।
दोस्तों आपको गली कूचे मोहल्ले में कई सारे डॉगी मिल जाएंगे। इसके अलावा उनके कई सारे बच्चे भी हमें घूमते हुए वहां नजर आ जाते हैं। ऐसे में आप हमारी इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कई सारे ड्रम के आसपास दो चार कुत्ते के बच्चे हैं जो पूरी तरह से केमिकल में फंसे हुए हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मर चुके हैं। हालांकि जब सफाई कर्मी की नजर इन पर पड़ती है तो वो इन्हें रेस्क्यू टीम को बुलाकर सौंप देता है। इसके बाद कई दिनों तक रेस्क्यू टीम इस केमिकल को हटाने की पूरी कोशिश करती है और इस काम में सफल भी होती है, जिसके बाद वो इन नन्हे पपी को काफी समय तक अपने पास ही रखती है और उन्हें उनकी मां से भी मिलवाती है। आप ये बात तो जानते होंगे कि बंदर पेड़ पर रहना पसंद करते हैं और यही उनका घर भी होता है, लेकिन अगर ये घर उनके लिए मुसीबत बन जाए तो क्या हो? आप हमारी अगली वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह ये बंदर इस पेड़ पर लटके हुए हैं। इतना ही नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी है और ये पानी बाढ़ का है। दरअसल कुछ समय पहले यहाँ पर बाढ़ की वजह से चारों तरफ से पानी ही पानी हो जाता है और ये बंदर बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हालांकि जब ये नीचे उतरेंगे तो इनकी मौत तो निश्चित है, जिनकी वजह से कुछ लोग जब इन बंदरों को देखते हैं तो वो इन्हें बचाने के लिए लकड़ी का पुल बनाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं, जिसके जरिए ये लोग उस पानी को पार कर सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं, जिससे करीब 50 से 60 बंदरों की जान बच जाती है। अब आप इस गाय के बछड़े को ध्यान से देखिए। दरअसल ये गाय का बछड़ा जो काफी घायल हो चुका है, दरअसल इसके जबड़े इतने ज्यादा घायल हो चुके हैं कि ये खाना भी नहीं खा सकता। जब रेस्क्यू टीम को इसके बारे में पता चला तो वो इसे अपने साथ ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसके जबड़े में एक सपोर्ट पट्टी बांध देते हैं ताकि उसे खाना खाने में कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ तक कि वो उसे उसकी माँ के पास छोड़ आते हैं ताकि वो अपनी माँ का दूध पीकर जल्द स्वस्थ हो जाए। और ऐसा होता भी है, वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। अब अंत में हम आपको इस हाथी के बच्चे से मिलवाते हैं जो कि एक गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि इसका शरीर काफी कमजोर हो चुका होता है। वो इस दलदल भरे कीचड़ में खुद निकल भी नहीं सकता, जिसके बाद ग्रामीण लोग जब इस हाथी के बच्चे को इस दलदल में फंसा हुआ देखते हैं तो रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करके उन्हें बुलाते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद इसे वहां से निकालती है और इसे इसकी माँ के पास छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने भी बेजुबान जानवरों की जान बचाई है? अगर हाँ तो कॉमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हम भी तो देखें कि आज के समय में वाकई में इंसानियत मौजूद है भी या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। बाय बाय।